सोलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज देख सकते हैं लक्की साहब कितना काम बाकी है, शेष काम बाकी है लॉकडाउन के बाद। दोस्तों इस ईस्ट इंडियन रेलवे चैनल पर जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितना काम लक्की साहब बाकी है। और देख सकते हैं दोस्तों, मैं लक्की साहब बेस्ट लक्की साहब हूँ, यानी पश्चिमी लक्की साहब हूँ। सो देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको इधर पश्चिम छोर में हूँ और देख सकते हैं ये जो है पुराना वाला एक नंबर प्लेटफॉर्म और दो नंबर प्लेटफॉर्म ये है, और ये 3, 4 और 5 दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को जो है वहाँ तक ले बना दिया है। और यहाँ से देखिए इसका ये हाल है। सो चलिए दोस्तों, कहाँ तक ले काम से मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं वहाँ पर भी है, लोहा को बिछा दिया गया है, वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म बनेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए तक ले देखिएगा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो तक एंड तक ले देखिएगा, मैं आपको पूरा व्यू कराता हूँ आज, क्योंकि दोस्तों बहुत दिन से 4 महीना से दोस्तों मैं आपको व्यू नहीं करा पाया, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन था और लॉकडाउन में मैं दोस्तों एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकल पाया था। और दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास दोस्तों बाइक भी नहीं था, जो कि आपको मैं खबर देता रहता एक एक सप्ताह के अंदर। हालाँकि मैंने आपको बोला था दोस्तों कि मैं वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन नहीं ला पाया। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ आज। और दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं पटरियों को कैसे करके उखाड़ पुखाड़ कर इसको बढ़िया से किया जा रहा है सेटअप। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म जो है और थोड़ा लंबा होगा वहाँ से। इधर दोस्तों देख सकते हैं गया रोड चल जाती है, और उधर जो है पटना, और यहाँ से देख सकते हैं पटरियों को कैसे इसमें बिछाया जा रहा है, बढ़िया से उसको तोड़ फोड़ के लगाया जा रहा है। दोस्तों इसको देख सकते हैं जेसीबी से जो है दोस्तों यहाँ से ये पुराना वाला जो ब्रिज से गुजरती थी ये जो लाइन, उसको आप देख सकते हैं वहाँ से दोस्तों उसको जो है कबाड़ कर उसमें गया रूट में भी मिला रहा है। सो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ प्लेटफॉर्म जो है कुछ इस तरह का है, अभी बना नहीं उतना, शायद मिट्टी को अभी और भरना बाकी रह गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइन जो बिछ रही है ये सीधा दोस्तों देख सकते हैं जो मालगाड़ी लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। शायद दोस्तों मेरा कैमरा का जूमिंग थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, धुंधलापन आ जाता है। दोस्तों इसको देखिएगा फुल एचडी में, क्योंकि दोस्तों फुल एचडी में देखिएगा तो क्वालिटी इसका बढ़िया मिलेगा। अपने मोबाइल से आप सेटिंग कर लीजिए, फुल एचडी में देखिए दोस्तों तो ये बढ़िया सा दिखाई पड़ेगा। और दोस्तों देख सकते हैं ये पटरियों को, देख सकते हैं कुछ इस तरह का पटरी देख सकते हैं बिछाया जा रहा है कबाड़ कर फिर से इसको। और दोस्तों प्लेटफॉर्म जो है यहाँ तक ले रहेगा, और देख सकते हैं इतना लंबा प्लेटफॉर्म इसको किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे भी व्यू कराता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये पोल था एक गड़ा हुआ, इसको काट दिया है, काट कर गिरा दिया है। देख सकते हैं दो पोल जो था इसको, 3 पोल है वहाँ पर भी काट दिया, और एक यहाँ देख सकते हैं उसको भी काट दिया। दोस्तों यहाँ बीच में जो पटरी बिछा रहा था इसमें जो है रुकावट बन रहा था, इसीलिए काट दिया दोस्तों। और देख सकते हैं ये जो है इलेक्ट्रिक, देख सकते हैं यहाँ पर जो एक ट्रांसफार्मर है वो चिड़चिड़ कर रहा है यहाँ पर। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर से देख सकते हैं दोस्तों गिट्टी को बिछाने का कार्य हो रहा है, पत्थर को बिछाने का पटड़ियों पर। वहाँ देख सकते हैं मालगाड़ी जो है अपना काम कर रही है। तो दोस्तों इस पटड़िया का जो है पटरी जो है उसको जो पटना रोड जाती है उसमें देख सकते हैं मिला रहा है, इसको सीधा करके मिलाया है। चलिए दोस्तों, एक पटरी जो है एक रूट पटना रूट चल जाती है इधर, और उधर जो है गया रूट चल जाती है। दोस्तों मैं गया रूट जो है आ चुका हूँ। सो चलिए दोस्तों, मैं आपको गया रूट भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ देख सकते हैं ये पटना रूट है और ये गया रूट है, देख सकते हैं दोस्तों पुराना वाला। चलिए दोस्तों क्या हाल है उसका, पटरी का जो उखाड़ दिया था। सो चलिए दोस्तों, मैं उसको भी दिखा देता हूँ इस वीडियो में।
सो देख सकते हैं दोस्तों, ये पुराना वाला सिंगल पट्टी था, उसको कवर दिया गया है, अभी भी कवरा हुआ है, जो कि आप मेरे वीडियो में पिछले वीडियो में देख सकते थे। जाकर चैनल को देखिए दोस्तों, व्यू कीजिए और उसमें आपको पता चल जाएगा, मैंने वीडियो डाल रखा है। और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा है, उधर पटना रूट चल जाती है, इधर गया रूट, और इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य उधर बाकी है, अभी न्यू पोल जो है अभी उस पर गड़ा है। और ये चल जाती है दोस्तों गया रूट, और ये पटना रूट इधर जो कि काम चल रही है, और दोस्तों बाईपास भी वो चालू हो चुका है जो कि बंद पड़ा था। सो दोस्तों देख सकते हैं ये पटना रूट है, और यहाँ से मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ दोस्तों, सो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से तो मैं दिखाई दिया हूँ कितना काम बाकी था, और मैं आपको उधर दिखाता हूँ। सो देख सकते हैं दोस्तों पटना रूट में ये जो देख रहे हैं ये पटना रूट है, और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये न्यू जो है बनाए पटरी उस पर मैं खड़ा हूँ अभी। अब पुराना वाला देख सकते हैं दोस्तों पटरी को है बंद कर दिया वहाँ पर, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों आपके मन में सवाल उठता होगा कि वहाँ से पटरी को कैसे चेंज किया जाता है, तो दोस्तों वहाँ से जो है राउंडिंग लाइन ले लिया है जो कि इसमें मिला देता है, और वो वाला जो है पुराना को छोड़ देता है। सो दोस्तों ये बात तो क्लियर हो गई कि वहाँ जो देख सकते हैं बाईपास जो वहाँ है, तो उस पर से दोस्तों वहाँ जो राउंडिंग लाइन जो है इस पर से यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं न्यू जो ब्रिज बना है वहाँ पर चल जाती है। सो देख सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी ओके हो चुका है, एंड न्यू ब्रिज भी तैयार हो चुका है, और पटरियों को देख सकते हैं तैयार कर रहा है, इसमें गिट्टी देख सकते हैं गिरा जा रहा है। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये पुराना वाला जो है पटरी, और देख सकते हैं ये सिग्नल जो था कैसे गिरा दिया है इसको दोस्तों, इसका कोई ज़रूरत नहीं था सो गिरा दिया है। और ये देख सकते हैं दोस्तों लखीसराय का जो है न्यू नहीं सॉरी पुराना जो लाइन था उसको देख सकते कैसे जंग लग चुका है इसमें, इसमें दोस्तों एक भी ट्रेन नहीं गुजरती है। और दोस्तों देख सकते हैं ये लखीसराय का जो पुराना था लाइन मेन लाइन, उसमें देख सकते हैं ये कैसा इसका हाल हो चुका है, और देख सकते हैं न्यू जो पटरी है वो बनकर तैयार हो रहा है। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फुल जानकारी दे रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जो कि 4 महीने से बंद पड़ा था, ये जो बंद पड़ा था मेरा यूट्यूब चैनल, इस पर जो वीडियो नहीं आता था लखीसराय की उल्का पल पल का खबर। सो चलिए दोस्तों मैं आपको दे देता हूँ पल पल का खबर, और दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर प्लेटफॉर्म कि कितना 4 एंड 5 नंबर प्लेटफॉर्म जो है बनकर तैयार हो रहा है। दोस्तों मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो जो लखीसराय हॉल्ट जो मैंने आपको दिखाया था कि लखीसराय हॉल्ट से आपको, चलिए दोस्तों मैं लखीसराय हॉल्ट से लखीसराय जंक्शन तक फुल व्यू कराता हूँ। दोस्तों जो अस्थाई लखीसराय हॉल्ट जो बना था उसको जो है हटका दिया गया है, अब वहाँ पर कोई लखीसराय स्टेशन नहीं है, हॉल्ट स्टेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों यदि वो वाला वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, या तो फिर आई बटन जो दिख रहा है यहाँ पर, आई बटन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, वो वीडियो भी देख लीजिए, पहले ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए तभी। और दोस्तों मैं अब जाता हूँ बेस्ट लखीसराय से अपने लखीसराय 4 एंड 5 नंबर न्यू प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ से चलता हूँ अब लखीसराय जंक्शन की तरफ लेकर। सो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। सो देख सकते हैं दोस्तों मैं अब जा रहा हूँ लखीसराय की तरफ, लखीसराय स्टेशन की तरफ, और दोस्तों ये वीडियो मैंने यहाँ तक आकर बनाया है दोस्तों, काफ़ी मेहनत लग रहा है बनाने में, वैसे बहुत सारा मेहनत लगता है, सभी काम में मेहनत लगता है, लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए ये खास करके ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आपका ये नाराज़गी जो हो गया होगा शायद कि इस चैनल पर जो है एक भी वीडियो नहीं आता है लखीसराय का। सो चलिए दोस्तों मैं अब हैरान भी हो चुका हूँ इतना बोलते बोलते। और दोस्तों यदि वीडियो को यदि दोस्तों आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, 1 लाइक तो बनता ही है, 1 लाइक कीजिए, और एंड कमेंट कीजिए यार, कमेंट नहीं करते तो मज़ा नहीं आता है। सो कमेंट कीजिए दोस्तों, और कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो आप कहाँ के देखना चाहते हैं, लखीसराय क्यूल जो भी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताने के लिए तैयार हूँ। सो दोस्तों देख सकते हैं, और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आप लाने वाला हूँ इस वीडियो चैनल पे। सो चलिए दोस्तों मैं आपको आगे अब दिखाता हूँ, सो बने रहिए वीडियो में दोस्तों, और वीडियो दोस्तों 10 मिनट की होने वाली है। सो चलिए दोस्तों मैं आपको एंड करके देता हूँ इस वीडियो को, क्योंकि दोस्तों आप बोरिंग हो चुके होंगे, इतना लंबा वीडियो 10 मिनट का वीडियो बन चुका है।
और मैं इतना बकवास भी कर रहा हूँ। सो मैं यदि आपको मेरा बात कोई भी बुरा लगा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। और ये मैं न्यू पटरी पर आ चुका हूँ, 3, 4 एंड 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और देख सकते हैं यहाँ का कुछ इस तरह का नज़ारा है। सो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का कुछ इस तरह का नज़ारा है, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क एंड न्यू पटरी। तो चलिए दोस्तों आगे मैं दिखा देता हूँ आपको। और सो देख सकते हैं दोस्तों क्यूल का जो है 3, 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म यहाँ तक ले बनेगा, और इसका सिग्नल दे दिया है यहाँ पे। चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ से अब व्यू कराता हूँ पूरा इसी वीडियो में, चाहे वीडियो 15 मिनट का क्यों नहीं बन जाए। सो देख सकते दोस्तों यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से है काम जो चल रहा है अभी प्लेटफॉर्म का। तो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ तो आपको मैंने दिखाई दिया है, प्लस में दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये है पुराना वाला पटरी 1 और 2, और ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म एंड 4 और ये 5 जो कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये 11 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं जहाँ से वीडियो स्टार्ट किया था मैं वहाँ पर आकर एंड करता हूँ अब, और देख सकते हैं यहाँ से है अभी काम चालू है वहाँ तक ले पर बन के तैयार हो गया है प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इससे भी बढ़िया वीडियो आने वाली है नेक्स्ट पार्ट में। ओके थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय।